नमस्कार, मैं देवेंद्र बर्मी सद्भावना न्यूज में आपका स्वागत करता हूँ। एप्पल अगले 2 महीने में भारत में अपना ऑनलाइन स्टोर खोलने की तैयारी कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एप्पल सितंबर अक्टूबर अवधि में अपना ऑनलाइन स्टोर लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। ऑनलाइन स्टोर का लॉन्च त्योहारी सीजन को देखते हुए किया जाएगा और दशहरा और दिवाली त्योहार के दौरान मांग आने पर कंपनी को फायदा पहुंचाएगा। फरवरी में एप्पल के सीईओ टिम कुक ने कहा था कि कंपनी इस साल भारत में ऑनलाइन स्टोर लॉन्च करेगी, जबकि देश में उसका पहला फिजिकल स्टोर 2021 में खोला जाएगा। वर्तमान में एप्पल ने भारत में अपने प्रोडक्ट्स की बिक्री थर्ड पार्टी विक्रेताओं और ऑनलाइन मार्केट प्लेस जैसे फ्लिपकार्ट और अमेजन के जरिए करेगा। सरकार ने पिछले साल सिंगल ब्रांड रिटेल को बढ़ावा देते हुए FDI से जुड़ी गाइडलाइंस में ढील दी थी, जिससे कंपनियों पर लोकल सोर्सिंग के नियमों में राहत मिली थी। इसमें ऐसे प्रावधान को भी खत्म किया गया था जिसमें कंपनियों के लिए ऑनलाइन रिटेल ट्रेडिंग में जाने से पहले पत्थर और ईंटों से बना स्टोर स्थापित करना जरूरी होता था। सरकार के इस कदम के बाद एप्पल ने कहा था कि वह भारतीय यूजर्स को वैश्विक स्तर पर ऑनलाइन और इन स्टोर अनुभव देने पर फोकस है। एप्पल भारतीय बाजार में प्रीमियम स्मार्टफोन की कैटेगरी में सैमसंग और वन प्लस जैसी कंपनियों को टक्कर देती है। कंपनी भारत में अपनी मौजूदगी को बढ़ाने के लिए तेजी से आगे बढ़ रही है। अमेरिका में आधारित कंपनी ने विस्टर्न और फॉक्सकॉन जैसी पार्टनरशिप पार्टनर्स के साथ मिलकर भारत में आईफोन 11 के असेंबलिंग को शुरू किया है। आईफोन 11 को तमिलनाडु की फॉक्सकॉन फैसिलिटी में असेंबल किया जा रहा है। ये फोन का 5वां मॉडल है जिसकी एप्पल ने भारत में असेंबलिंग शुरू की है। दूसरे फोन में आईफोन 7, XR, CS और SE शामिल हैं। Powered by Arthros Clinic, a dedicated center for arthroscopy and sports injuries.